अभी हम जानेंगे इनॉग्रेशन एंड स्टोर अवेयरनेस के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि इनॉग्रेशन को एज एन इवेंट कैसे करें, स्पीच कैसे दे, वो जो VKMS में कहाँ मिलेगी। दूसरा, इनविटेशन भेजना ऐसे लोगों को इनवाइट करना जो कि बहुत ही नामचीन हो या वहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हो, जिसको लोग जानते हैं, जैसे कि सरपंच हो गए, और बाकी लोगों को इनवाइट कैसे करें, इस इनवाइट को VKMS पे कैसे ढूंढें। इसके अलावा हम देखेंगे मार्केटिंग की कुछ एक्टिविटीज़, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल होता है, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, ग्लो साइंस, डायरेक्शन बोर्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़, जैसे कि सेल्स के जो कैंप लगाए जाते हैं वो, और वक्रांगी दोस्त जो एक लोकल एजेंट आप जिसको अपॉइंट करते हो, उन्हें हम देखेंगे। तो स्टार आइए शुरुआत करते हैं VKMS से, एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल जिस पे आपको हर एक चीज़ मिलती है। तो VKMS पे आप जाएंगे, माय VKMS, माय डाउनलोड्स, और उसमें देखोगे मार्केटिंग कैंपेन। अब मार्केटिंग कैंपेन में होगा मार्केटिंग कोलैटरल, आप सर्च करेंगे, आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें है JPEG फाइल, GIF या इमेज फाइल्स, मैं बोलूँगा इमेज फाइल्स, और PDF। तो किस चीज़ के PDF है? बैनर एड्स के PDF है, डैंगलर्स, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, जो भी ऐसे मार्केटिंग का मटेरियल होता है, उन सब का यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। देखिए, जब आप अपना केंद्र ओपन कर रहे हो, ठीक है, वो जो भी हो सकता है, चाहे वो ATM है या केंद्र विद ATM, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, तो आप उसको एक एज ए इवेंट कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है ताकि आपके आसपास के लोगों को पता चले कि आपने एक ऐसा शानदार बिजनेस ओपन किया है जो उनकी मदद कर सकता है और जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पूजा का आयोजन किया गया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा एक सेटअप लगा है आगे बैनर्स का, ताकि एंट्रेंस पे ही पता चल जाए कि एक नया सेंटर यहाँ पे ओपन हुआ है, क्योंकि ये बहुत अंदर है, इसीलिए उन्होंने मेन एंट्रेंस पे ही बैनर्स से पूरा डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा गेट टुगेदर आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपके क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली हो, और आप इसे एज ए सेरेमनी करें, या तो अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि फ्लावर्स है, बलून्स है, रिबन्स है, या कॉम्बिनेशन कर सकते हो इसका। वहीं पर आप एक रिबन कटिंग का भी कर सकते हो, तो जो भी ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं, जो वहाँ पे बहुत ही वेल नोन है, जिनका बहुत रिस्पेक्ट है, आप उन्हें बुला सकते हैं रिबन कटिंग के लिए। आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि जो लोग आए उनको आप कुछ वहाँ पे ऑफर कर सकें। तो अभी ये जो इनॉग्रेशन का इवेंट होगा, उसमें आप चाहोगे कि कोई एक स्पीच आप दो, तो आप ही के लिए यहाँ पे एक स्पीच बना कर रखी है। तो ये है उसी जगह पर VKMS में, माई VKMS, माई डाउनलोड, मार्केटिंग कैंपेन और मार्केटिंग कोलैटरल। तो यहाँ पे रिजल्ट आते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल F कीजिए, आप स्पीच टाइप कीजिए, आपको अलग अलग भाषाओं में स्पीच यहाँ पे मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश वाली ओपन की है, आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में ये पूरी स्पीच है। ताकि आपकी स्पीच इफ़ेक्टिव हो, आप इसे थोड़ा सा पढ़कर याद करके फिर जब इनॉग्रेशन है उस दिन ये स्पीच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सरपंच आए हैं जो रिबन कट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ऐसे डेकोरेशन करके यहाँ पे रिबन बांध दी है एंट्रेंस पर। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि वो एक डॉक्यूमेंट्स कौन से भी हो सकते हैं, जो आपके सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते वक्त वो आपको वो दे रहे हैं वहाँ पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सरपंच जी यहाँ पर रिबन काट रहे हैं। ये कुछ और फोटोज़ हैं, ये फ्रेंचाइजी के अंदर से लिया गया फ़ोटो है, जहाँ पर रिबन बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी इनॉग्रेशन के लिए आपने स्पीच भी देख ली,
आपने सोच लिया सरपंच को बुलाना भी है, बाकी लोगों को इनवाइट कैसे करोगे आप, तो उसके लिए एक इनविटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इनॉग्रेशन का इनवाइट कहाँ से मिलेगा? वही जगह है अपनी माई डाउनलोड्स, मार्केटिंग कोलैटरल, मार्केटिंग कैंपेन में मार्केटिंग कोलैटरल सर्च, ये रिजल्ट आ गए, आप सिर्फ कंट्रोल एफ करके डाल दीजिए इनॉग्रेशन, आपको मिल जाएगी इनॉग्रेशन की स्पीच हर भाषा में। ये देखिए मैंने एक भाषा में यहाँ पे ओपन किया है, ये मैंने बंगाली में ओपन किया है, यहाँ पर पंजाबी में भी है। तो अगर आपकी भाषा में नहीं मिल रहा तो आप अपने FRM से कनेक्ट करें, FRM कंसर्न टीम से कनेक्ट करके आपको अपनी भाषा में आपका मार्केटिंग मटेरियल दिलवा सकते हैं। अभी हमने ये तो सोच समझ लिया कि ठीक है मार्केटिंग के लिए, मतलब इनॉग्रेशन एक हो गया, एक इवेंट हो गया, मगर आपको आपके बिजनेस की मार्केटिंग भी करनी है। तो मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन में आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो जो आपकी वेबसाइट है ये है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा जो बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फ्री में वेब पेजेस बनाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। यानी कि ऐसा आपका एक फ्रेंचाइजी का पेज बनेगा, ये बन सकता है फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप अपना बना सकते हो अकाउंट, और व्हाट्सएप पे आप एक बिजनेस अकाउंट बनाकर और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनाकर लोगों को उसमें जोड़ सकते हो। अभी इसमें कैसे होता है कि आप एक पेज बना देते हो, डेली पोस्ट डाल सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ ब्लॉग्स के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो, या जो भी पोस्ट आप फेसबुक या इंस्टा पे डाल रहे हो उसमें आप अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के साथ साथ, प्रोसेस के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ पर लिंक्स रख सकते हो। तो इस तरह से आपको फुटस्टेप जनरेट हो गए, इसके लिए आपको पैसे नहीं लगते। आप ये बात समझिए, सोशल मीडिया में एक ऐसा टूल है जहाँ पे बिना पैसे खर्च किए आप थोड़ा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो आपके वेबसाइट पर, या लीड जनरेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स के लिए बिना पैसे खर्च किए। हाँ, आपको कुछ समय इसे देना पड़ेगा हर रोज़ डेडिकेटेड, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारे लीड जनरेट होगी। अभी एक और देखते हैं सोशल मीडिया में ऑप्टिमाइजेशन में जो आता है वो है वीडियो मार्केटिंग। अब वीडियो मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है। अब मैंने हाल ही में देखा जब डीमैट की सर्विस दिसंबर में लॉन्च हुई थी, एक न्यू अकाउंट खोले जा रहे थे, तो एक फ्रेंचाइजी ने पूरा का पूरा प्रोसेस बना दिया कि आप कैसे फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा स्टेप बनाया, भारत ईजी ऐप एक होता है उसमें से कैसे आपको वो फ्री में मिलेगा। तीसरा, उस ऐप में कैसे आपको रेफरेंस नंबर में हमारा VK ID डालना है, और ऐसे करके पूरा वीडियो बनाकर उन्होंने बहुत लोगों को भेजा और घर बैठे बैठे बहुत सारे अकाउंट्स का बेनिफिट ले पाए। उन्होंने वो वीडियो बनाकर भेजा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना ही VK ID मेंशन किया एज अ रेफरेंस नंबर, और देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स खोल दिए। तो ये होता है टेक्निक। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया सिंपल सा, साथ में ऐप का लिंक ले लिया गूगल प्ले स्टोर से, अपना VK ID एज ए रेफरेंस नंबर, और ये तीनों चीज़ उन्होंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर फॉरवर्ड कर दी। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो ताकि यूट्यूब पे कभी कोई सर्च करे कि अकाउंट्स कैसे खोले, बैंक अकाउंट, फ्री अकाउंट्स कहाँ मिलेंगे, डीमैट, तो वो सारे कीवर्ड्स पे आपका वीडियो ऊपर आ जाएगा और लोग आपके वीडियो के ज़रिए आपकी सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेक्स बैनर। देखिए जब भी आप एक फ्लेक्स बैनर बनाने जाते हो कहीं भी, तो ये डिपेंड करता है उस बैनर की साइज़ पर। ये छोटा सा बैनर आपको 300-400 रुपये में बन जाता है या प्रिंट, या उससे बड़ा होगा तो 1000 रुपये में या 2000 रुपये में प्रिंट होता है, जितना बड़ा आप बनाना चाहें साइज़ के हिसाब से। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा ये तो प्रिंट का कॉस्ट हो गया, जो एक्चुअल पैसे लग रहे हैं वो 300-400 रुपये नहीं है, वो कुछ हज़ार लेते हैं आपके आर्टवर्क के, पूरा आर्टवर्क जो बनाते हैं
जो भी ये बैनर बनाने वाले हैं वो उसमें आपसे सबसे ज़्यादा कीमत ले लेते हैं। तो हमने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया, आपको जाना है माई डाउनलोड्स में, मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल, यहाँ पे देखिए रिजल्ट पे आप सिर्फ कंट्रोल एफ करके बैनर डालिए, आपको मिल जाएगा बैनर से रिलेटेड मटेरियल, हर चीज़ का बैनर ऐड है यहाँ पर। आप अपना मनचाहा बैनर डाउनलोड करें, प्रिंटर के पास जाएं, आपको अभी आर्टवर्क के पैसे खर्च नहीं करने, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा बैनर चाहिए, आप उस हिसाब से उसे प्रिंट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ पे हमने बनाकर रखा है दूसरे ऑफलाइन प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग मटेरियल, जैसे कि लीफलेट्स है, ब्रोशर्स है, पैम्पलेट्स है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए बने हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके, और नज़दीकी प्रिंटर पे जाकर आप इसे प्रिंट करवा लीजिए, और इसे फिर आप बांट सकते हो अपने कस्टमर्स में। दूसरे जो एडवर्टाइजिंग के जो मटेरियल है जिसे हम देखना चाहेंगे या मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है ग्लो साइन बोर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ग्लो साइन, ये रात के वक्त इसमें लाइट लगती है। तो क्या होता है कि जब भी कोई उस रास्ते से ट्रैवल कर रहा है वो उस लाइट को देखकर रुक जाता है और आपके केंद्र पे आ जाता है इवनिंग से लेकर, मोस्टली तभी वो लाइट इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा डैंगलर्स होते हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स होते हैं, डायरेक्शन बोर्ड जैसे कि यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जो डायरेक्शन दिखा रहा है, उसी में एक ऐड भी होता है। तो जैसे कि ATM, बिजनेस पॉइंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंस पॉइंट, और वहाँ पे सारा कुछ लिखा रहता है जिसके ज़रिए लोग आपके केंद्र तक पहुँच जाते हैं। अभी इससे अलावा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो मेथड है मार्केटिंग का, जो स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी से बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने बहुत पैसे कमाए, वो है कैंप मोड, जिसे हम सेल्स कैंप भी कहते हैं। कैंप मोड एक होता है, बेसिकली इसका फंडा बहुत ही सिंपल सा होता है, जिसके अंदर एक आप जगह, एक वेन्यू पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हो इकट्ठा, और फिर वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, पूरे मास को आप इकट्ठा कुछ चीज़ समझाते हो और उनको वहाँ पे कन्विंस करते हो कुछ चीज़ लेने में, और ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसके पीछे कुछ चीज़ें होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सा टेक्निक होता है ये, जिसमें आप हाइप करते हो जब भी सेल्स कैंप होना है, तो उसके कुछ 3-4 दिन पहले से, हफ्ते भर पहले से आप इसकी हाइप चालू करते हो, इसकी मार्केटिंग चालू करते हो और लोगों को बुलाते हो। इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, ये टेक्निक का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि इस कैंप में जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जैसे कि डीमैट अकाउंट है, आप बता रहे हो कि डीमैट अकाउंट आपको फ्री मिलेगा सिर्फ इस कैंप में, जो कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का है, उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो एक फियर होता है कि हम कहीं ये ऑफर मिस ना कर दे, फ्री मिल रहा है, बाद में शायद ना मिले, हम वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, तो उस वजह से कस्टमर आ जाते हैं और आपकी सर्विस ले लेते हैं। और वैसे भी वो कस्टमर्स के लिए फ्री है, कमीशन तो सिर्फ आपको मिल रही है एक फ्री में अकाउंट देकर। तो इस तरह से आप इस कैंप मोड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस कैंप मोड को प्रमोट करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे है डीमैट और फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे है SBM बैंक। तो एक इंफॉर्मेशन की तरह भी बताया जा सकता है इसको, जहाँ पे लोग आ रहे हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, और एंड रिजल्ट में वो या तो आपके लिए एक लीड दे रहे हैं कि वो बाद में अकाउंट लेंगे या उसी दिन ले लेते हैं, या आप सभी को इकट्ठा बोल देते हो अकाउंट अपने ऐप से कर लो, भारत इजी ऐप, और आप अपना VKID शेयर कर सकते हो। ये सारे तरीके हो गए, बट इसको हाइप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हो, जिसमें से एक है, पर्सन एक होता है जिसे हम कहते हैं वक्रांगी दोस्त। तो आइए जानते हैं ये वक्रांगी दोस्त क्या होता है। तो वक्रांगी दोस्त आपका एक लोकल एजेंट है, यानी आप क्या करते हो कि आपके गांव में या पड़ोस के गांव में आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो जो आपके लिए काम करे, आपके लिए सेल्स करे, मार्केटिंग करे। कैसे?
आप जैसे ही ऐसे लोगों से मिलोगे कि जो आपको लग रहा है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाते हो, उनको पहले ऑन बोर्ड कर देते हो, उनको सारी प्रोडक्ट्स बताते हो, सर्विसेज बताते हो, और फिर वो जाकर या तो गांव आपका बहुत बड़ा है तो वो दूसरे हिस्से में कर रहे हैं, या तो वो आस पड़ोस के गांव में जाकर आपके बिहाफ पर वहां पे सेलिंग कर रहे हैं। जैसे वो डीमैट अकाउंट बेच रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट बेच रहे हैं गांव में, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं भारत इजी ऐप। अब भारत इजी ऐप में आपकी वीके आईडी आएगी तो उसका जो बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे 300 रुपये आपको मिल रहे हैं एक डीमैट अकाउंट पर या ट्रेडिंग अकाउंट पर, ठीक है, एक नंबर होने के बाद, तो हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 300 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो आप अपने हिसाब से उनसे बांट सकते हो। तो जो आपके वक्रांगी दोस्त हो गए, जो वो गांव में जाकर किसी को भी ऐप डाउनलोड करके अगर वो करा रहे हैं, तो वो उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, और जब आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको तो पता ही है कि ये आपके वक्रांगी दोस्त ने किया है, आप उनके साथ में आपकी कमीशन बांट सकते हो। जैसे 300 में से 100 रुपये, या 300 में से 150, या 200 रुपये, वो आपका चॉइस है, जैसे आप बांटना चाहें, जो आपका दोनों में अरेंजमेंट हो। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, ह्यूमन का लिमिटेशन होता है। आप दिन में 8 से 10 घंटे दे सकते हो, आप दिन में कितने लोगों को मिल सकते हो। अगर आप अकेले 100 से 200 लोगों को मिल रहे हो, उसी जगह पर आपके अगर ऐसे 4 से 5 वक्रांगी दोस्त है, तो वो और आप मिलकर आप 1000 कस्टमर तक पहुंच सकते हो। तो ये फर्क होता है एक अकेले पर्सन के काम करने में और एक ग्रुप के काम करने में। तो ये थी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग की टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट।